तेज रफ्तार का कहर आर्टिका कार डिवाइडर से टकराई, तीन की मौत, चार घायल। शिवपुरी जिले के बदरवास में बीती रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को शिवपुरी और गुना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आर्टिका कार में सवार होकर सात लोग गुना से ग्वालियर जा रहे थे, तभी बदरवास के पास शिवपुरी गुना बाईपास पर बरखेड़ा के पास तेज रफ्तार आर्टिका कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क हादसे में घायल चार में से तीन लोगों को गुना जबकि एक घायल को शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां शिवपुरी अस्पताल में भर्ती घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। इस भीषण सड़क हादसे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हादसे के बाद आर्टिका कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। सड़क हादसे में गोलू परिहार निवासी गुना शिवाजी पुत्र ब्रजेश यादव निवासी गुना और प्रदीप पुत्र रंजीत परिहार निवासी छापराई थाना देहात अशोकनगर की मौत हो गई, वहीं समदर सेलर पुत्र मदनलाल गांधी वोकेशनल कॉलेज गुना, जसवंत गौर कल्याण केवट निवासी गुना और केश पाश निवासी अशोकनगर घायल हो गया। सर, ये आज जो हादसा हुआ है हाईवे पे आपके थाना क्षेत्र में, ये क्या मामला है और क्या घटना हुई और इसमें कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हैं? ये कल रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की घटना है। एक मारुति सुजुकी अर्टिगा MP67C4285 आ रही थी गुना से शिवपुरी साइड, तो बदरवास हाईवे पर बाईपास तरफ बरखेड़ा साइड अनबैलेंस होते हुए उस पर माइलस्टोन टकराई और डिवाइडर पर टकराई। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होने से रोलिंग करते हुए गई है और गाड़ी में लगभग 7 लोग थे, तो उसमें से 2 तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं और बाकियों को हमने रेफर करवा दिया है। कुछ लोग गुना गए और एक शिवपुरी गए हैं और बाकी उनको परिजनों को भी हमने सूचित कर दिया है, वो आएंगे अभी।